शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ॐ 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 नमः शिवाय, जगत में व्याप्त संपूर्ण त्रिगुणात्मक गतिविधियों का प्रथम एवं प्रत्यक्ष दृष्टा, मेरी दिव्य दृष्टि से जगत का कोई भी परमाणु अछूता नहीं। मैंने देखा कि शक्ति स्वरूपा सती ने प्रजापति दक्ष के यहां जन्म लेकर सृष्टि के रचना क्रम में एक नवीन अध्याय को आरंभ किया। सूर्य की ओजस्विनी किरणों की भांति कन्या सती युवती सती के रूप में बहनों और सहेलियों के लिए विनोद और हास परिहास का विषय बन गई। और तब शिव जी ने स्वप्न में प्रकट होकर सती की अपूर्णता को पूर्ण करने तथा मन की शांति के निमित्त पार्थिव शिवलिंग की आराधना करने का मार्ग सुझाया। अपने स्वप्न को माता वीरणी से कह सुनाया सती ने, और वो नदी किनारे ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने में निमग्न हो गई। किंतु दक्ष को अपनी प्रिय पुत्री का इस प्रकार कठोर तपस्या करना नहीं रुचा। भूतल और भूतल से परे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां सक्रिय होती रही। नृत्य गान के स्वरों से झंकृत इंद्र सभा के बाहर कामदेव देवर्षि नारद पर अपने बाणों का प्रहार करने को प्रस्तुत होते हैं, किंतु नारायण भक्त नारद कामदेव को रीति नीति के प्रसंग में भ्रमित कर काम बाण को संध्या जैसी सुपात्र के लिए उपयोग करने की मंत्रणा देकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने में सफल होते हैं। बाण से आहत संध्या काम पीड़ित और भ्रमित होकर भटकने लगती है। सम्मुख आए हर प्राणी को काम की दृष्टि से देखती हुई वो ब्रह्मा के समक्ष आती है। ब्रह्मा भी भावावेश में संध्या की ओर आकर्षित होते हैं। शिव जी नेत्र खोलकर स्थिति का भान करते हैं और ब्रह्मा को इस कुकृत्य व अनुचित आचरण के लिए प्रताड़ित करते हैं। यद्यपि यह अप्रिय घटना कामदेव के कारण ही घटित हुई, पर संध्या इससे प्रभावित होकर
आत्मग्लानि की अग्नि में जलते हुए आत्महत्या तक करने के लिए तत्पर हो गईं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी संध्या को इस मानसिक पीड़ा से उबारने के लिए वशिष्ठ को प्रेरित करते हैं कि वे संध्या को शिव साधना के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताएं। मैं वशिष्ठ ऋषि हूं। सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे क्रोध शोभ शमन के निमित्त भेजा। जब मेरे इष्ट देव शिव शंकर जी मुझसे कुपित हो गए हैं तो मेरे इस जीवन का अर्थ ही क्या है? क्रोध शोभ शमन के उपरांत भी मेरे होने का क्या प्रयोजन? तुम्हारी प्रश्न पहली में ही तुम्हारा उत्तर भी है, अर्थात इष्ट देव शिव शंकर जी का कोप यदि तुम्हारा दुख है तो उन्हीं की प्रशंसा से तुम्हारा सुख भी हो सकता है। उनके कोप को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देवादिदेव शिव शंकर जी की तपस्या। शिव शंकर जी अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारण है, अधिश्रिष्टा है, आदित्य है, पुरुषोत्तम है। उनसे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप तब तक करती रहो जब तक शिव जी स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा उद्धार करने के लिए बाध्य न हो जाए। मैं अवश्य करूंगी। अपने चित में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर तुम देवादिदेव शिव शंकर जी का चिंतन करो कि वो तुमसे प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट फल प्रदान करें। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके आदेशानुसार शिव आराधना करके देवाधिदेव शिव शंकर जी को मैं अवश्य प्रसन्न करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
वरदान मांगो। महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देने के इच्छुक हैं और मैं उसे पाने के योग्य हूँ तो मुझे दो वर दीजिए। पहला वर ये कि संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम से युक्त ना हो, यौवनावस्था को प्राप्त होने के उपरांत ही उसमें कामेच्छा जागृत हो। तुम्हारा पहला वर मैंने तुम्हें दे दिया देवी, अब अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। मेरी दूसरी इच्छा यही है प्रभु कि यही मेरी अंतिम इच्छा हो। तात्पर्य? आप मुझे इस दूषित देह से मुक्ति दीजिए प्रभु, उसके उपरांत आप मुझे एक नया जन्म दें जिसमें एक ऐसे महामात्र से मेरा विवाह हो जिसके संदर्भ से मेरा नाम भी एक ऋतु के रूप में जाना जाए। तथास्तु। किंतु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? इस पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तपस आश्रम में मेघा ऋषि 12 वर्षों तक चलने वाले महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम वहां निडर होकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। तदुपरांत तुम्हारे मन में जिस पुरुष को पति रूप में पाने की इच्छा है उसे हृदय में धारण किए अपने शरीर को यज्ञ की आहुति बनाकर अग्नि में होम देना, फिर वही अग्नि तुम्हारी जननी भी होगी, अर्थात तुम्हें एक नया जन्म मिलेगा। मेघा ऋषि। ओम आदित्याय नमः। 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 सदाशिव का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलती देवी संध्या मेघा ऋषि के आश्रम पहुंच गई जहां महायज्ञ चल रहा था। सभी के लिए अस्तित्वहीन अदृश्य संध्या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यज्ञाग्नि की ओर बढ़ती गई और अंततः उसी में समा गई। तत्पश्चात यज्ञ की अग्नि से उभरा लाल प्रकाश देखते ही देखते पूरी तरह दो भागों में फैल जाता है। इस प्रकार संध्या का अस्तित्व दो भागों में बट गया, प्रातः संध्या और सायं संध्या। प्रातः संध्या देवताओं की आराधना के लिए और सायं संध्या पितरों के आह्वान के लिए। दो क्षितिजों में फैली संध्या के दृश्य पर ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजते हैं। ऋषिवर, कौन मायावी हो तुम? इस पवित्र अग्नि से प्रकट होने की धृष्टता तुमने कैसे की? क्यों की? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? उत्तर दो। मैं आपकी पुत्री हूँ पितृवर, आपके आशीर्वाद की आकांक्षिणी हूँ। धर्म, नीति, मर्यादा और व्यवहार के नाते मैं तुम्हारे प्रणाम और चरण स्पर्श के लिए तुम्हें दीर्घायु और सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, किंतु अकारण पितृत्व का अधिकार नहीं दे सकता। भला तुम मेरी पुत्री और मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ? भगवान शिव की अनुकंपा और कृपा के कारण ही यह संबंध स्थापित हुआ है पितृश्रेष्ठ। कल्याणी, बार बार मुझे पिता संबोधित कर क्या तुम मेरे पितृ भाव की परीक्षा ले रही हो? आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको इस सत्य का ज्ञान तो अवश्य होगा कि मैं कौन हूँ। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षा लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। हाँ भागे, तू हमारे ज्ञान और जप तप को चुनौती देने आई है? नहीं पितृवर, नहीं।
अपने पिता के प्रति ये दुष्टता कैसे कर सकती है? फिर वही प्रलाप, पुत्री पुत्री पुत्री, कब कहां और कैसे प्रमाणित हुआ कि तुम मेरी पुत्री हो? दुर्भाग्य है मेरा कि अपने पिता के सम्मुख उनकी पुत्री होना मुझे प्रमाणित करना पड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? करो, किंतु मुझे पिता और स्वयं को पुत्री ना कहते हो। यदि मैं आपके तन से उत्पन्न होती तो तनुजा कहलाती, यदि मन से उत्पन्न होती तो मानसी कहलाती, किंतु मैं आपके उस पुण्य से उत्पन्न हुई हूँ जो शिव की आराधना के प्रतिफल में आपका अधिकार है। पितृवर, मैं पुण्यजा हूँ। पितृवर, शिव आराधना के पुण्य से प्रतिफल में प्राप्त पुत्री को इतना कुछ ज्ञान है और फल की प्राप्ति करने वाले पिता को इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं? यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। यदि ये सत्य होता तो स्वयं शिव भगवान इसकी पुष्टि करते, स्वयं निर्णायक होते, किंतु ऐसा नहीं। अब ऐसा ही होगा। हे देवों के देव, मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो। ऋषिवर की पुत्री बनाकर जो सम्मान आपने मुझे दिया, ऋषि के सम्मुख उसे स्वीकृति से प्रामाणिक करो। दया करो भोलेनाथ, कृपा करो। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर दया करो, कृपा करो मुझ पर। मेरी सुनो, मुझ पर कृपा करो देव। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। देवों के देव महादेव, मुझ पर कृपा करो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो। हे महेश्वर, मुझे दर्शन दो। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। मेरी सुनो, हे भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। हे देव, मुझे दर्शन दो। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो। हे देवों के देव महेश्वर, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो देव। मेरा प्रकट होना पर्याप्त है, अथवा भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है? आपके प्रकट होने से ही सत्य प्रकट हो गया भोले भंडारी। तो फिर अपनी पुत्री का नामकरण कीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, मैं आपकी आधी आज्ञा का ही पालन कर पाऊंगा इसका नामकरण करके। आशीर्वाद देने का कार्य तो स्वयं आप ही करेंगे। सूर्य की आभा है इसके, अर्थात अरुण जैसी धरती से इसका मुखमंडल दीप है, इसलिए मैं इसका नाम अरुंधति निश्चित करता हूं। भगवान शिव शंकर की जय। देवी अरुंधति की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवी अरुंधति जय। मेघा ऋषि, आपको देवी अरुंधति जैसी पुत्री प्राप्त हुई, इस सौभाग्य के लिए बधाई। अब इसका विवाह सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ कर इसके नाम को अमरता प्रदान करें। जो भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान शिव का वरदान पाकर अरुंधति का भविष्य प्रशस्त हुआ और उनके वरदान स्वरूप ही सप्त ऋषियों में विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। कितना शुभ दिन है आज, वशिष्ठ मुनि के साथ देवी अरुंधति का विवाह हो रहा है। शुभ शुभ है ऋषिवर, किंतु ये समझ में नहीं आता कि शिव शंकर ने सप्त ऋषियों में से जानते हुए भी इस वर का चुनाव क्यों किया। ऋषि विश्वामित्र भी तो कम ज्ञानी ध्यानी नहीं थे, उनका तब तो देवताओं की ईर्ष्या का कारण है। हाँ, ये विचार तो मैंने भी किया था, किंतु उत्तर कौन दे? इसका उत्तर मैं दूंगा। भगवान शिव के निर्णय में शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। संपूर्ण जगत में समता ममता और मित्र भाव के रखने के कारण विश्वामित्र उच्च कोटि के तपस्वी हैं, किंतु वशिष्ठ समस्त जगत के कल्याण की कामना के लिए, अपनी विशिष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ।
हे प्रभु, इस शुभ घड़ी में आपके आगमन की हम व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषिवर, पुत्री अरुंधति को मंडप में लाइए। जीवन में आनंद की फुहार बनकर आई हो तुम, हर्ष की वर्षा बनकर आई हो तुम, और उससे भी पहले श्रद्धा और भक्ति का सगुण रूप हो तुम। वो रूप पाने के लिए जो कष्ट तुमने सहे हैं, उनका वर्णन करना असख्य है। तुम महान हो, श्रद्धा की पात्र हो, मेरा तुम्हें बार बार नमन। मुझे लज्जित न करिए स्वामी, संध्या का प्रायश्चित और अरुंधति का ये रूप आप ही के कारण संभव हुआ है। यदि आप मुझे शिव भक्ति की महिमा न सुनाते, देवादि देव शिव शंकर को मनाने का मंत्र न देते, तो आज हम दोनों का इस रूप में मिलन न होता। स्वामी, इस प्रकार जो भी हुआ है उसका संपूर्ण श्रेय आप ही को जाता है। इसका संपूर्ण श्रेय देवाधिदेव शिव शंकर जी को जाता है, मुझे नहीं। जगत में जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो सब कुछ देवाधिदेव की इच्छा के अनुसार ही होता है। सर्व कर्मों के कर्ता धर्ता श्री शिव ही हैं। संसार में सुख दुख का सामना करने का एक ही महामंत्र है, जो असंभव को संभव, अप्राप्य को प्राप्य कर दिखाता है, और वो महामंत्र है ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? जब से आपने संध्या पर पुष्पाण का प्रयोग किया है, इसी तरह खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप किए जा रहे हैं। स्वामी, यदि इस तरह आप ही विरक्त रहे तो मेरा क्या होगा? मैं भयभीत हो गया हूं प्रिय। भयभीत? किंतु किस कारण? मैंने संध्या पे जो पुष्प बाण का प्रयोग किया था, उसके परिणाम से तो तुम भली भांति परिचित हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिणाम का प्रकोप मुझे भुगतना पड़े। नहीं स्वामी, आपने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, और कर्तव्य भावना से ऊंचा होता है। निसंदेह ये कोई अपराध नहीं है। परंतु रति,
यदि भविष्य में कोई ऐसी अमंगल घटना घटित हो गई तो क्या होगा? नारायण नारायण। पुष्प धनवा भ्राता कामदेव, मुझे देखकर इस प्रकार आंखें चुरा कर कहां भाग रहे हो? और देवी रति कहां अदृश्य हो गई? प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, मैं तो तुम्हारा भ्राता हूँ कामदेव, मुझे देवर्षि का सम्मान देकर लज्जित न करो। सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए। अरे भाग कर रहे हो भ्राता, मेरी पूरी बात तो सुन लो। आज्ञा कीजिए भ्राताश्री। अपने पुष्प बाणों से विचलित करके तुमने संध्या का तो कल्याण कर ही दिया। नारायण नारायण। कल्याण? वो कैसे? देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या पे किए इस प्रयोग का मुझे प्रायश्चित करना होगा। नहीं कामदेव, तुम्हारे इस पुष्प बाण के प्रयोग से संध्या का यज्ञ में पुनर्जन्म हुआ है। इस प्रकार संसार को दो संध्याएं प्राप्त हुई हैं, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि संध्या की रचना में मेरा भी योगदान है? निश्चित ही। केवल इतना ही नहीं, संध्या महासती अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बन गई है। भ्राता, अब अपने पुष्प बाणों का प्रयोग किस पर करने की सोच रहे हो? देवर्षि, मुझे ये चिंता सताई जा रही है कि कहीं मेरे पुष्प बाणों के प्रयोग से किसी का अनर्थ ना हो जाए। अर्थात? अर्थात ये कि अब मैं अपने पुष्प बाणों का प्रयोग सोच समझ कर करूंगा, जिससे भविष्य में मैं किसी विपदा में ना उलझूं। भ्राता, व्यर्थ की चिंता न करो। वर्तमान वर्तमान तो उज्जवल है ही, और भविष्य चराचरपति शिवशंकर के अधीन है, और यही सनातन सत्य है। मेरी बात मानो, परमपिता ब्रह्मा ने जो तुम पर दायित्व सौंपा है उसे अपना कर्तव्य मान पुष्प बाणों का उचित समय पर उपयोग करते चलो, यही तुम्हारा धर्म है और कर्म भी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। आओ नारायण, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। देवर्षि, इस बार क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या नहीं, मन में एक प्रश्न लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं परमपिता। तुम तो स्वयं साक्षात प्रश्न हो। तुम्हारे आने का अर्थ है प्रश्न सम्मुख आ गया। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? मैं अभी अभी भ्राता कामदेव से मिलकर आ रहा हूं। संध्या प्रकरण के पश्चात वे अत्यंत विचलित रहने लगे हैं। अब वे अपने पुष्प बाणों का उपयोग करने से भयभीत होते हैं। ये उचित ही है नारद। उस समय तो कामदेव किसी तरह बचकर भाग निकला, किंतु अब उसे बहुत सोच समझकर अपने पुष्प बाणों का प्रयोग करना होगा। कामदेव को विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आप सत्य ही कह रही हैं देवी सरस्वती, परंतु कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का जो प्रयोग संध्या पर किया था वो तो शुभ ही रहा। देवी संध्या अब सती अरुंधति बन गई है और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। हाँ, सो तो है। भगवान शिव के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य उत्तम होता है, चाहे कुछ समय के लिए वो दुखदायी ही क्यों ना दिखाई दे। देवी, मेरे पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न क्या है वो भी पूछ लो। आपकी पौत्री मेरी भतीजी दक्ष पुत्री सती बेचारी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव आराधना कर रही है, उसका क्या होगा? शिव आराधना का परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। इस विषय में कभी कोई शंका मन में मत लाओ नारद। परंतु आप भ्राता दक्ष को समझाते क्यों नहीं कि सती की शिव भक्ति का विरोध करना छोड़ दे? ये असंभव है नारद, दक्ष अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सती को अपने तप के बल पर ही पिता के विरोध का सामना करते हुए अपना अभिष्ट प्राप्त करना होगा। हाँ नारद,
जो हो रहा है शिव की इच्छा से हो रहा है। तुम इस विषय में चिंता करना और प्रश्न उठाना छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर भोलेनाथ, क्या मेरी आराधना में कोई त्रुटि रह गई है या आप मेरी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? ये मैं नहीं जानती, किंतु स्वामी आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं स्वामी, तरस रही हैं। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। यहाँ तो किसी की परीक्षा हो रही है और किसी की परीक्षा और आराधना में विघ्न डालना उचित नहीं है नारद। चुपचाप यहाँ से निकल चलो। राता दक्ष का महल तो सुना पड़ा है, कहाँ गए होंगे सब लोग? चलो नारद, भावज वीरणी के कक्ष की ओर, कदाचित वहां भेंट हो जाए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम भावज वीरणी, अपने देवर नारद का प्रणाम स्वीकार करें। विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण। मैं आपके लिए केवल देवर हूँ, देवर्षि नहीं। और ये क्या भावज, आप चिंता में डूबी हुई हैं? मुझे किस बात की चिंता है देवर जी? बस सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण। भावज, सती तो शक्ति का अवतार है, शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। ये क्या भावज, आप फिर सोच में डूब गई? क्या करूं, आपके भ्राता और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार के आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म ही परम पिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दें, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय हो। लो, जिनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, तनिक आप ही इन्हें समझाइए। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जीव समझाने से समझने वाले हैं? नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप? नारायण नारायण। भ्राता नारद कहिए ना भैया, आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहाँ हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। आपने हमारी शिव की धुन में खोई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को ये पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे, अब वो विवाह के योग्य हो गई है। नारायण नारायण। वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है, क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी, भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा, इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। भावज, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण।
मेरी सती का क्या होगा? क्या होगा मेरी सती का? मेरी सती का क्या होगा? मैं तुम्हें एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूँ कि सती को शिव आराधना साधना करने से रोको। उसे समझाओ महारानी कि वो अपने मन में शिव के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति जगाकर अनर्थ ना करे। जो स्वयं अपने होने का अर्थ जानने के प्रयास में लगा हो वो कोई अनर्थ कैसे कर सकता है? और रही बात सती को शिव की आराधना उपासना करने से रोकने की, तो स्वामी आराधना उपासना निष्ठा ये तो मन की भावनाएं होती हैं, और भावनाओं पर भला कोई कैसे अंकुश लगा सकता है? ये सब कहकर तुम हमारी अवज्ञा कर रही हो महारानी। मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकती हूँ? धृष्टता? धृष्टता नहीं तो ये हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं। महारानी, माँ होने के नाते अपनी संतान का शुभ अशुभ सोचना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पथ भ्रष्ट होने पर उसे उचित मार्ग दिखाना तुम्हारा धर्म भी है। आप संभवतः उचित कह रहे हैं स्वामी, परंतु हमारी सती ना तो कोई अशुभ कार्य कर रही है और ना ही वो पथ भ्रष्ट हुई है। वो वही कर रही है जो उसके ज्ञान के अनुसार उचित है। तुम्हारा तात्पर्य है कि सती इस योग्य हो गई है कि उसे ज्ञान अज्ञान का बोध होने लगा है? नहीं महारानी, नहीं। तुम्हारी ये सब बातें बुद्धिमता का परिचय नहीं दे रही। मैं आपके समान बुद्धिमान नहीं स्वामी, किंतु इतनी बुद्धिहीन भी नहीं कि तुम्हारी बुद्धिमता के दर्शन तो इसी सत्य में हो रहे महारानी कि अपनी अन्य युवा कन्याओं की अपेक्षा तुम्हें केवल सती की चिंता अधिक रहती है। तुम्हारी ममता नेह स्नेह सती के प्रति अधिक है। ये आपका भ्रम है स्वामी, सत्य नहीं। शरीर को अपने प्रत्येक अंग से एक सा मोह होता है, पुष्पमाला को अपने प्रत्येक पुष्प से एक सा स्नेह होता है, मुझे भी अपनी हर संतान से एक सा। शब्दों को उपमाओं द्वारा अलंकृत करने की योग्यता तो तुम में है, ये मैं जानता हूँ महारानी, परंतु क्या तुम मुझे ये बताओगी कि सती के लिए शिव आराधना ही क्यों आवश्यक है? मैं कहता हूँ कि शिव की अपेक्षा श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी तो हो सकती है। हो सकती है, परंतु केवल श्री हरि विष्णु की आराधना करने वाला शिव जी का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव जी की आराधना करने वाला श्री हरि विष्णु का परम भक्त नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस हेतु श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं, और अजर अमर सदाशिव की उपासना करने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र होता है। महारानी, हमने तुमसे सती के मन में विवेक जगाने की बात कही थी, और उत्तर में तुमने ज्ञान भक्ति का पूरा अध्याय सुना डाला, परंतु एक सत्य ध्यान पूर्वक सुन लो महारानी कि हम सती की शिव भक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम उसका गुणगान कभी नहीं सुन सकते, हमें शिव से घृणा है, घृणा। शिव से घृणा और स्नेह करना मनुष्य के वश में नहीं होता, वो भी केवल शिव की इच्छा पर ही निर्भर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय।